पंजाब कांग्रेस चल रहे घसमाण विचाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई अते जिस तो बाद उन्हां वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अते इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब दे मुद्दों नूं लैके गलबात करदिया नवजोत सिंह सिद्धू बारे कहा कि उन्हां दी सिद्धू दे नाल फोन ते गलबात हुई है अते इह पार्टी का अंदरूनी मसला है ते उह सिद्धू दे नाल बैठ के ही हल करनगे। बिजली के मुद्दे को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी की कुछ कह रहे हैं, आओ सुन दे। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे ले कराना होता है। तो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ बैठकर बात करो, किस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते हैं, जो आप भी कर सकते हैं। कोई बंदे सर दो लगाए आपने, कोई दो मेंबर थे बात करने के लिए, बात करने के लिए बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब के बिहाफ पर उनको बात करने के लिए दो बंदों की कहीं ड्यूटी लगाई है या प्रगट सिंह या सिंगला साहब के कहीं मंत्री साहब गए थे आज या कल बात हो जाएगी आपके पास हमेशा रास्ते खुले। आप कह रहे हैं कि मैंने फोन पे बात की, लेकिन इस तरह से इस्तीफा देना और उसके बाद वो भी आपसे बात करते पार्टी अध्यक्ष हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको अपनी बात के नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं है। नहीं नहीं कोई कोशिश नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, तो उनको उनके साथ बात करेंगे बैठकर जो भी बात होने वाली होगी। क्या यस को बना के रखना चाहते हैं आज रजिया सुल्ताना सर मीटिंग की नहीं आ सके? सीएम साहब तोड़े सीएम बनने तो बाद जो एक माहौल पंजाब का बनया सी कि हाँ चलो बड़ा चंगा हो रहा है, वो तो सारा खत्म हो गया एक दिन के अंदर। कुछ नहीं कर रहा, वो तुम महसूस करते हो कि नहीं करते? सिद्धू साहब का एक ढंग ठीक है, तुम इस ढंग नाल कहना ठीक है? स्टेटमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने का रिस्पांस पंजाब दे लोगों के मसलियां तो मैं फिटकना नहीं है। सिद्धू साहब का रिस्पांस मैं यार पहले जो तो तुम सीएम साहब गल कीती उन्होंने का की रिस्पांस है? उन्होंने कहा आप बैठ के गल कर लेंगे, लेकिन मैं उन्होंने मैंने ये भी कहा कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा।